Hello, I am Billy Bogna. I am here with some important lessons, some grammar for you. And before I proceed, I hope you will subscribe to my channel and also like and share it. I can assure you to bring you the best of quality and everything now. तो आज हम आपके लिए एरर करेक्शन सीरीज में नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है एरर्स रिलेटेड टू यूसेज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। आर्टिकल की थोड़ी सी गलती सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज कर लेती है। तो इसमें बिल्कुल भी गलती ना हो किसी भी लेवल पे, इसके लिए टाइम टू टाइम मैं वैसे भी बताता रहता हूँ। पिछली बार मैंने स्पेशल आर्टिकल की क्लास ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो उनको हम इसमें अब कंपेंसेट करेंगे। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लाया हूँ और इन सेंटेंसेस के थ्रू आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे और आर्टिकल का सही यूज करना सीख जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखना, अंग्रेजी में सेंस, सबसे पहले कहाँ आर्टिकल का यूज होता है कहाँ नहीं होता है ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में बहुत कुछ कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। क्योंकि जब हम एक रूल आपको बताते हैं कि ऐसा होगा, तो दूसरी बार हम बताते हैं कि यहाँ इसके साथ ये नहीं होगा, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए भी सब रूल्स बताए जाएंगे आपको। सबसे पहले आज आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होगा कहाँ होगा ये आपको बताया जा रहा है। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई आपके लिए, खेल रोग नजीब सवारी, पोस्ट हो या टाइटल, कैंप का हो नाउन अगर या हो ये जीपीएन नहीं मांगते एएनडी। तो इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, टेक पेन टू लर्न इट। इसको लर्न करने के लिए थोड़ा सा आप कष्ट उठाएंगे। खेल रोग निर्जीव सवारी माने खेल का नाम हो, जैसे टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, उसके आगे भी आप कभी दवा नहीं लगाएंगे। एक रोग, कोई भी रोग के नाम है सभी जानते हैं, उसके आगे भी दवा का यूज नहीं होगा। निर्जीव सवारी क्या होता है, बाइक है, ट्रक है, कार है, इन पे लाइफ तो है नहीं, एरोप्लेन है, इसके आगे भी दवा का यूज नहीं होगा। कोई पोस्ट है या कोई पद है या टाइटल है, उसके आगे भी दवा का यूज नहीं होगा। कैंप नाउन, कैंप नाउन को मैं कई बार एक्सप्लेन कर सकता हूं। कैंप में सी फॉर कॉमन नाउन, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एम फॉर मटेरियल नाउन, पी फॉर प्रॉपर नाउन, अगर ये नाउन है इनके आगे भी द का यूज नहीं होगा। और जीपीएन, गॉड प्रोविडेंस नेचर, जीपीएन क्या है, गॉड प्रोविडेंस नेचर, जी फॉर गॉड, पी फॉर प्रोविडेंस और एम फॉर नेचर, इनके आगे भी द का यूज नहीं होता, द ए एंड डी कुछ भी नहीं होता। पहले तो आपको ये समझना है। अब चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। इन 16 सेंटेंसेस को आप एक बार रीड करेंगे, कंसीडर करेंगे कहां पे क्या गलती है। अगर आपने ये समझ लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि यू विल स्पॉट द एरर इन सेंटेंसेस योरसेल्फ। पहला सेंटेंस है, गंगा इज अ होली रिवर। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जितने भी रिवर्स हैं उनके नाम के आगे द जरूर आता है। क्या आता है, अभी तो मैंने ये बताया कि इनके आगे नहीं आता है, लेकिन किसके आगे आता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा ग्रुप है जो पहले की क्लास में मैंने बताया है, उसको आप ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि रिवर्स जितनी भी है उनके आगे दवा लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने दवा नहीं लगाया, तो क्या आना चाहिए, द गंगा इज ए होली रिवर। तो पहला वाला सेंटेंस में क्या आएगा, द गंगा, ठीक है, बाकी आप ऐसे उतार लेंगे फर्स्ट। दूसरा वाला सेंटेंस, आई वॉज इन ए ट्रबल देयर। देखो ट्रबल कैसा नाउन है, कैंप नाउन में इसका यूज आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ट्रबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि इसको हम ना छू सकते ना देख सकते, जस्ट वी कैन फील इट, एनीथिंग दैट यू कैन ओनली फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, हमने क्या लगा दिया, अ लगा दिया। कोई चीजें होती गलत है लेकिन बोलने में हमें अच्छा लगता है, तो ये चीज हमें माइंड करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई वॉज इन ट्रबल लिखेंगे, इन ट्रबल, तो दूसरे वाले सेंटेंस में आई वॉज इन ट्रबल देयर, न कि इन अ ट्रबल। नाउ प्रोसीड टू थर्ड सेंटेंस, व्हाट ब्यूटीफुल साइट इज इट। देखो साइट क्या है, साइट हमेशा सिंगुलर नाउन माना जाता है, सिंगुलर में ही साइट आता है, सिंगुलर के आगे ए जरूर आता है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, तीसरे में क्या आएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल, क्यों हमने ये लगाया, क्योंकि ब्यूटीफुल साइट क्या है, सिंगुलर नाउन है।
डोंट मेक नॉइज। नॉइज भी सिंगुलर में आता है, कभी नॉइजेस नहीं होता। नॉइज इज ऑलवेज यूज एज ए सिंगुलर नाउन, याद रखना। नॉइज साइट आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर नाउन, हेंस दे टेक आर्टिकल ए विद इट। तो डोंट मेक ए नॉइज, तो ये जो चौथा सेंटेंस है इसमें क्या आएगा आपका, ए नॉइज, बाकी सब ऐसे आएगा। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, व्हाट ए फन, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, ये जो नाउन है फन, ये कैसे नाउन है ये आपको पता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, फन लक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन हमने यहाँ पे ए यूज कर दिया है, इसका होना चाहिए व्हाट फन व्हाट लक। दूसरे में हमने लिखा ना व्हाट ए लक, तो गलत है, हमने लिखना है व्हाट लक, पहले वाले में व्हाट फन। ए क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ए और एन या द का यूज नहीं होता है। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड, ओके। सेवंथ पे आ जाओ, सेवंथ में क्या है, द रोज इज स्वीटेस्ट फ्लावर। देखो स्वीटेस्ट आपको नजर आ रहा है कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन हमने जो है इसको बगैर द आर्टिकल के यूज कर लिया, इसलिए यहां पे द स्वीटेस्ट आएगा। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, यहां पे तो एक एग्जांपल है, लेकिन इससे आपके सारे एग्जांपल्स तैयार हो जाएंगे। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनके आगे द जरूर यूज करो। वी नीड गांधी टू हैव एन आइडियल सोसाइटी। देखो गांधी इज प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के आगे भी द या कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, द नहीं आएगा। लेकिन कब आता है, अगर नाम प्रॉपर नाउन को हम उसकी क्वालिटी से जोड़ते हैं, प्रॉपर नाउन को अगर उसकी क्वालिटी से जोड़ दिया जाए फिर ए आता है। तो हमने क्या लिखा, वी नीड गांधी टू हैव एन आइडियल, हमें गांधी थोड़ी चाहिए, गांधी कहां से ले आएंगे, हमें गांधी के आइडियल पे चलना है, कहने का मतलब यह है। तो हमें इसका लिखना पड़ेगा वी नीड ए गांधी, वी नीड ए गांधी। जैसे मैं बोलूं कि मैं आज का गांधी हूं, मैं गांधी तो नहीं हूं, मैं तो बीडी बॉब ना हूं, लेकिन जब गांधी नहीं हूं तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आज का गांधी हूं, मतलब मैं गांधी तो नहीं हूं लेकिन बिल्कुल उसकी आइडियोलॉजी पे चलता हूं, तब मैं बोलूंगा आई एम द गांधी ऑफ प्रेजेंट डे। द गांधी बोल दिया, आर्टिकल लगा दिया, जबकि आर्टिकल बैन है प्रॉपर नाउन के आगे, लेकिन उसके आइडियाज या उसकी क्वालिटी से जब हम अपने आप को रिलेट करते हैं तो देन यू विल यूज द और ए और द। फिर हमने लिखा द प्रोविडेंस डिड नॉट वॉन्ट इट। देखो हमने ऊपर क्या लिखा था, जीपीएन, गॉड प्रोविडेंस, नेचर के साथ भी द नहीं आता है, तो आप यहां पे सीधा लिखेंगे नाइन्थ में ओनली प्रोविडेंस। फिर दसवें पे आ जाओ, द वर्च्यू इन इट सेल्फ ए ग्रेट रिवॉर्ड। वर्च्यू क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे फिर हमने आर्टिकल यूज कर दिया, तो गलत कर दिया, इसका मतलब आर्टिकल हटाना है। तो दसवीं में क्या आएगा आपका, ओनली वर्च्यू। अब चलो इलेवंथ पे, द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, आपने देखा द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, तो विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे भी हमने द लगा दिया, जबकि आर्टिकल लगना नहीं चाहिए कॉमन नाउन के सामने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने, तो आपने इसको हटा देना है, फिर लिखेंगे हम ओनली विजडम, विजडम, बाकी सब ऐसे आ जाएगा, इट्स ओके। स्टिल शी हैज वर्क्स टू डू। देखो वर्क कैसा नाउन है, वर्क मटेरियल नाउन है, नहीं वर्क्स कैसा नाउन है, कॉमन नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मेटल, ये भी एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, लेकिन आपने देखा इसके साथ प्लूरल लगाने हमने, ये प्लूरल में यूज होते नहीं है, और अगर होते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जिसने भी कैंप नाउन मैंने बताया कोई भी प्लूरल में यूज नहीं होते, लेकिन अगर इनका प्लूरल में यूज होता है तो देयर मीनिंग इज चेंज्ड, राइट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, शी हैज वर्क्स, हैज वर्क टू डू, वर्क्स नहीं आएगा कभी, अगर वर्क्स है तो इसका मतलब फैक्ट्री हो जाएगा, कारखाना हो जाएगा। आई सेंट हिम ए वर्ड रिगार्डिंग हिज टेलर, आई सेंट हिम ए वर्ड नहीं होता कभी। अब देखो ऊपर लिखा था मैंने, कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ सेंटेंसेस बनते हैं बाय वे ऑफ रूल्स, और कुछ सेंटेंसेस बनते हैं बाय वे ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। वो इडियम फ्रेजेस ऐसे ही बने हैं, उनको हमने बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके ऐसे रख देना होता है, राइट। तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इंग्लिश का एक इडियम है, आई सेंट हिम ए वर्ड नहीं आएगा, सेंट हिम वर्ड आता है, सेंट वर्ड, तो सेंट सेंट हिम
वर्ड आएगा केवल, सेंट हिम वर्ड। ये बाय वे ऑफ इडियम्स हमने सही किया है, क्योंकि इडियम के हिसाब से गलत एक्सप्रेशन है। उसी हिसाब से फिर आई लिव इन ए टाउन नहीं होता, ये भी बाय वे ऑफ इडियम आएगा, आई लिव इन टाउन आएगा। कभी ये मत लिख देना आई लिव इन ए टाउन या आई लिव इन द टाउन, ओनली आई लिव इन टाउन, ये भी बाय वे ऑफ इडियम। तो ईडीएम के हिसाब से क्या क्या होता है, कितने सही होते हैं, इसकी भी एक लिस्ट आपको बना के दी जाएगी इन लेटर क्लासेस। ही वॉज मेड ए किंग, नेक्स्ट 15वां सेंटेंस है, ही वॉज मेड ए किंग, और नीचे वाला सेंटेंस है ही वॉज इलेक्टेड ए कैप्टन। देखो ऊपर क्या लिखा था हमने, खेल रोग निजीर सवारी पोस्ट हो या टाइटल, पोस्ट या टाइटल, तो इसमें पोस्ट भी है टाइटल भी है। किंग क्या है, टाइटल है, कैप्टन क्या है, पोस्ट है, तो इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हमने इनके आगे ए लगा दिया, ये गलत है, मेड किंग आएगा केवल, ही वॉज मेड किंग, भले आपको बोलने में किंग सही लगे, और इलेक्टेड कैप्टन, इलेक्टेड या कैप्टन नहीं आएगा, ओनली इलेक्टेड कैप्टन। So in these 16 sentences, you must have got a lot of idea about the uses of articles. And this trick or these words or this rhyming lines, I can say, this poetic line can help you understand it better. Once again, to end this, let me recite. Khel ro nirjeev sawari, post ho ya title, camp ka ho noun yadi, या वो ये GPN नहीं मांगते ANDE, इसको आप याद कर लीजिए। विद दिस गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।